हेलो एवरीवन, आज हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल को डिस्कस करेंगे। आज जो हमारी अर्थ आपको दिखाई देती है वैसा पहले नहीं था, मतलब जो चीज़ें आपको आज अर्थ पर दिखाई देती हैं वो वैसे पहले नहीं था, जो यूनिवर्स आपको आज दिखाई देता है वैसा पहले नहीं था। तो जो आज है वो किस टाइम पीरियड पर कौन सी क्रियाएं हुई, कौन सी एक्टिविटीज़ हुई जिनके थ्रू बना, उन सारी चीज़ों को हम एक टाइम स्केल के थ्रू स्टडी करते हैं कि कौन से समय पर ओशन बने, कौन से समय पर कॉन्टिनेंट्स बने, कैसे लाइफ का ओरिजिन हुआ, कैसे फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुआ, कैसे लाइफ स्टार्ट हुई, और किस तरीके से जो प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड है, प्रेजेंट टाइम में जो यूनिवर्स है वो कैसे डिवेलप हुआ, उन सब की स्टडी एक स्केल, टाइम स्केल, समय सारणी, मतलब समय के आधार पर डिवाइड किया गया है कि किस चीज़ का किस समय पे ओरिजिन हुआ था। इसी को बोलते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल में लार्जेस्ट पीरियड ऑफ जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ होता है इवोन्स, मतलब ये सबसे लार्जेस्ट होता है। आगे जो इवोन्स होते हैं वो एरा में डिवाइडेड होते हैं, और एरा जो है वो पीरियड्स में डिवाइडेड होते हैं, और जो पीरियड्स हैं वो इपोक में डिवाइडेड होते हैं, मतलब ये लार्जेस्ट हैं और ये हैं स्मॉलेस्ट। ठीक है, ये बात समझ में आई। देखो, आज जो आपको अर्थ दिख रही है वैसा अर्थ स्टार्ट में नहीं था। बिग बैंग थ्योरी के तहत आपने ये देखा कि 13,700 साल पहले, 13,700 मिलियन ईयर्स अगो, जो हमारा यूनिवर्स है वो एक आग का गोला था, मतलब पूरा यूनिवर्स आपस में जुड़ा हुआ एक गोल, एक बोल की तरह था। बाद में इसमें एक्सप्लोजन होता है और एक्सप्लोजन के तहत ही यूनिवर्स में गैलेक्सीज बनती हैं, गैलेक्सीज में जो सोलार सिस्टम है वो डेवलप होते हैं। अब क्या होता है, हमारी जो अर्थ थी वो भी स्टार्ट में एक आग का गोला थी, धीरे धीरे वो बहुत तेज गति से घूम रही थी, और घूमने के कारण जो अर्थ है प्रेजेंट टाइम में वो धीरे धीरे ठंडी होने लगी। अब देखो, बिल्कुल आग थी, बिल्कुल फायर थी, तो यहाँ से फ्लेम्स उठ रही थी, लेकिन धीरे धीरे जब ये ठंडी अवस्था में आई, कूल होने लगी हमारी अर्थ, तो अर्थ में जो हैवी पार्टिकल्स थे वो नीचे जमने लगे। हमने अर्थ में ये देखा भी है कि जो पार्टिकल्स जो हैवी डेंसिटी के थे वो नीचे जाने लगे अर्थ में, और उन्होंने बनाया हमारी अर्थ का कोर, वो है निफे। ठीक है, जो इससे निकिल और फेरस से कम डेंसिटी के जो पार्टिकल थे वो मीडियम स्टेज में आए, और उन्होंने बनाया हमारी अर्थ का मेंटल। ठीक है, और ये हुए सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम। इसके ऊपर जो सबसे लेसर डेंसिटी के जो पार्टिकल थे उन्होंने हमारी अर्थ का बनाया क्रस्ट, और ये हैं सियाल, सिलिका और एल्यूमिनियम। इस तरीके से हमारी जो अर्थ है वो मेजरली तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें सबसे सेंटर का जो एरिया है वो कोर है, मीडियम एरिया मेंटल है, और जो अपर एरिया है वो क्रस्ट है, और अलग अलग पार्टिकल्स से बना हुआ है। और वो किस तरीके से सेटल हुए, जब अर्थ कूल हो रही थी तो कूल होने के दौरान जो हाई डेंसिटी के थे, जिनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई थे, मतलब बहुत ज़्यादा भारी थे, वो सबसे नीचे चले गए कम डेंसिटी के बीच में, और सबसे लोअर डेंसिटी के सबसे ऊपर रह गए। इस तरीके से अर्थ का निर्माण होता है। अब जो अर्थ है, हमने ये देखा कि जब अर्थ शुरुआत में एक आग का गोला थी, और धीरे धीरे जब ये ठंडी हो रही थी, तो ठंडी होने के दौरान जो ठंडी होने का जो प्रोसीजर है, जो कूल होने का जो प्रोसीजर है, वो काफ़ी फास्ट हुआ। इसीलिए अर्थ का कुछ पार्ट ऐसा हुआ जो बिल्कुल सॉलिड अवस्था में आ ही नहीं पाया, मतलब ढंग से वो ठंडा हो ही नहीं पाया। इसी वजह से अर्थ के अंदर कुछ पार्ट ऐसा है जो अभी भी लिक्विड स्टेज में पाया जाता है, और इसी कारण यहाँ पर से वोल्केनिक इरप्शन होता है अर्थ में जगह जगह से, और जो अंदर जो मैग्मा है, अंदर जो मैग्मा है लिक्विड स्टेज में जो पदार्थ है, जो मैटर है, उसको बोलते हैं मैग्मा, और जब वो अर्थ के ऊपर आ जाता है तो उसको बोलते हैं लावा। ठीक है, तो ये मैग्मा या फिर लावा ये अर्थ के अंदर से बाहर आता है और वोल्केनिक इरप्शन होता है, क्योंकि जब गर्म से ठंडी हो रही थी अर्थ, तो कुछ पार्ट ऐसा है जो ढंग से ठंडा नहीं हो पाया, और वो ही एनर्जी, अर्थ की जो एनर्जी है, अर्थ की जो हीट है, वो बाहर निकलती है वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू। ये हमने देखा कि किस तरीके से अर्थ डेवलप हुई। अब अर्थ जैसे जैसे कूल होती गई, वैसे वैसे अर्थ के अंदर से जो गैसेज हैं, जो वाटर वेपर हैं, वो बाहर निकलने लगे। ठीक है, वाटर वेपर जो है वो बाहर निकलने लगे, और एंशियंट टाइम में जो अर्थ है उसके चारों तरफ कोई भी एटमोस्फियर नहीं था, लेकिन जैसे जैसे गैसेज बाहर निकलने लगी और वाटर वेपर निकलने लगे, तो वो प्रेजेंट टाइम का जो एटमोस्फियर है वो इस तरीके से डेवलप हुआ था।
जब हमारी अर्थ स्टार्ट में थी तो अर्थ के ऊपर कोई भी ऑक्सीजन नहीं थी, आपको पता होना चाहिए। ये प्रीलिम्स में, यूपीएससी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि क्या अर्थ के ऊपर शुरुआती टाइम में ऑक्सीजन थी, तो नहीं थी। ठीक है, तो ये अर्थ के बारे में थोड़ा सा हमने देखा। अब जियोग्राफिकल जो टाइम स्केल है उसमें कौन कौन से एरा में, कौन कौन से पीरियड में, कौन कौन से मेजर इवेंट्स हुए, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले जो एरा है स्पेशली, उनको हम मेजरली डिस्कस करेंगे, उनके बारे में उनका नाम याद करने की कोशिश करेंगे, और बाद में फिर एक एक एरा को उठाएंगे और उसमें कौन कौन से मेजर इवेंट्स हुए उनको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ देखिए, देखो सबसे पहले जो टाइम है, जिस समय अगर हम बात करें तो 5000 से 13700 मिलियन ईयर्स अगो हमारी अर्थ के ऊपर ये होता है, हमारा जो यूनिवर्स है उसका डेवलपमेंट होता है। और उसके बाद में मेजर इवेंट्स इस टाइम पीरियड में, ये जो टाइम स्केल है ना, इस टाइम पीरियड में क्या होता है, ओरिजिन ऑफ सन एंड ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स ये डेवलप होता है। उसके बाद में है प्री क्रैम्बियन एरा। यहाँ पर देखिए, प्री कैम्बियन एरा में जो है, जो हमारी अर्थ आज है उसका शुरुआती, मतलब जो हमारी अर्थ है जो बिग बैंग थ्योरी के तहत एक पार्ट बन गई थी, लेकिन अर्थ एक क्या थी, आका गोला थी जो हमने स्टार्ट में देखा, धीरे धीरे ठंडी होने लगी। मतलब अर्थ का जो ओरिजिन है वो प्री कैम्बियन एरा में होता है, और इसका जो टाइम पीरियड है वो 570 मिलियन ईयर्स अगो से 4800 मिलियन ईयर्स तक का जो टाइम पीरियड है उसमें प्री कैम्बियन एरा था। और इस समय जो जो मेजर इवेंट्स हुए उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ टाइम पीरियड देख रहे हैं कि किस तरीके से कौन कौन से टाइम पीरियड में हमारी जो अर्थ का जो टाइम स्केल है, जो यूनिवर्स का टाइम स्केल है, वो डिवाइडेड है। उसके बाद में प्री कैम्बियन के बाद में आता है पैलियोजोइक। इसका जो टाइम पीरियड है 245 to 570 मिलियन। ठीक है, पैलियोजोइक के बाद में जो टाइम पीरियड है उसका नाम है मेसोजोइक। और इसका जो टाइम पीरियड है वो है 645 to 245 मिलियन, ये टाइम पीरियड है। और लास्ट है साइनोजोइक। ये जो साइनोजोइक है इसका टाइम पीरियड है 65 मिलियन ईयर्स टू प्रेजेंट टाइम्स, मतलब 65 मिलियन ईयर्स टू प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम में मतलब हम अब जो अर्थ है उस टाइम तक का जो पीरियड टाइम पीरियड है उसको बोलते हैं साइनोजोइक। तो इस तरीके से अर्थ का हुआ 5000 से 13700 मिलियन ईयर्स अगो सन का, यूनिवर्स का ओरिजिन होता है। फिर है प्री कैम्बियन एरा, उसके बाद में पैलियोजोइक एरा, फिर मेसोजोइक एरा, और फिर है साइनोजोइक एरा। अब एक एक एरा को हम उठाएंगे और उस एरा में कौन कौन से मेजर इवेंट्स हुए उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्री कैम्ब्रियन एरा के बारे में। प्री कैम्ब्रियन जो एरा है उसमें हमारी जो अर्थ है उसके बारे में, जो हमने स्टार्ट में देखा कि अर्थ एक बिल्कुल उबलती हुई फायरिंग बोल थी, स्टार्ट में जो अर्थ थी वो एक फायरिंग बोल थी, जो उसका एटमॉस्फेयर था ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी। ओरिजिन का, अर्थ का जो ओरिजिन है वो इस टाइम हो जाता है, प्री कैम्बियन एरा में अर्थ का ओरिजिन हो जाता है। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अर्थ का ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ द अर्थ, कि अर्थ का ओरिजिन कौन से टाइम पीरियड में होता है, कौन से एरा में होता है, तो प्री कैम्बियन एरा में होता है, ओरिजिन ऑफ द अर्थ। अब क्या होता है कि जब अर्थ बनती है तो अर्थ के ऊपर, क्योंकि जब अर्थ बनती है तो अर्थ जो शुरुआत में फायरिंग बोलती है धीरे धीरे कूल होती है, कूल होने के दौरान उसमें से गैसेज बाहर निकलती हैं, तो अर्थ के ऊपर उस समय हाइड्रोजन, इसके अलावा हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम
कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये गैसेस थी, लेकिन ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी। ये इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब क्या होता है कि अर्थ में से, अर्थ जैसे जैसे ठंडी हो रही थी तो अर्थ में से क्या निकलती है, वाटर वेपर निकलती हैं। अब वाटर वेपर निकलती हैं तो वो कंडेंस होती हैं, कंडेंस होती हैं तो उनमें CO2 और मिल जाती है वाटर वेपर में, और CO2 मिलने के कारण उनका टेम्परेचर कम होता है, जिसके कारण से रेनफॉल होने लग जाता है। तो रेनफॉल जैसे जैसे होता है तो ओशंस बन जाते हैं, मतलब हमारी अर्थ का ओरिजिन हो गया प्री कैम्ब्रियन एरा में, उसके ऊपर रेनफॉल होना स्टार्ट हो गई और ओशियंस का ओरिजिन हो गया। सेकंड इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट, ओरिजिन ऑफ ओशियन, ओरिजिन ऑफ ओशियन, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद में क्या होता है, अरावली का जो फॉर्मेशन है, अरावलीज जो ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स हैं, उन अरावलीज का फॉर्मेशन भी कब हो जाता है, प्री कैम्ब्रियन एरा में हो जाता है अरावली का फॉर्मेशन। तो आपको ये ध्यान में रखना है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो अरावली है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक पार्ट है, मतलब अरावली ही डेवलप हो गई, अरावली का ही ओरिजिन हो गया, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू भी बन गया था मतलब उस समय में, तो प्री कैम्ब्रियन एरा में ये दोनों पार्ट भी डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट में क्या होता है, हमने ये देखा कि ऑक्सीजन थी नहीं तो क्या होने लग जाता है कि स्टार्ट में जो छोटे छोटे एल्गी हैं वो स्टार्ट, मतलब ओरिजिन ऑफ लाइफ तो होने लग जाता है अर्थ के ऊपर, लेकिन वो किस फॉर्म में होता है, वो अनएरोबिक, मतलब ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, इस तरीके का रेस्पिरेशन, मतलब इस तरीके के छोटे छोटे एनिमल, छोटे छोटे जीव जंतु, यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया ये डेवलप होने लग जाते हैं। ठीक है, यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया ये डेवलप होने लग जाते हैं अर्थ के ऊपर। तो प्री कैम्ब्रियन एरा का हमने ये देखा कि प्री कैम्ब्रियन एरा में अर्थ का ओरिजिन होता है, ओशियंस का ओरिजिन होता है, अर्थ के ऊपर ऑक्सीजन नहीं होती, यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया का ओरिजिन होता है, और लगभग 2500 मिलियन ईयर्स अगो क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी 2500 मिलियन ईयर्स अगो क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी डेवलप होने लग जाती है। अब ये क्या होती हैं कि जैसे ही ब्लू ग्रीन एल्गी डेवलप होने लग जाती हैं तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसीजर है वो भी होना स्टार्ट होता है। जो जैसे ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर स्टार्ट होगा, मतलब एक बिल्कुल लो लेवल पर ऑक्सीजन बनना भी अर्थ के ऊपर स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल प्रेजेंट टाइम में जितनी ऑक्सीजन है इतनी ऑक्सीजन नहीं बनती, लेकिन एक मेजर, एक आप स्मॉल पॉइंट के रूप में बोल सकते हो कि ऑक्सीजन भी बढ़ना अर्थ के ऊपर स्टार्ट हो जाती है। प्रेजेंट टाइम में आप CO2 का लेवल हमारे अर्थ के ऊपर देखते हो 0.03%, लेकिन जब अर्थ का ओरिजिन हुआ उस समय जो CO2 थी वो लगभग 18 से भी ज़्यादा परसेंट, मतलब 18, 19, 20, 21, 22 जितनी भी परसेंट थी, मतलब CO2 का जो लेवल था वो अर्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा था। अब जैसे ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर स्टार्ट होता है, CO2 कंज्यूम होने लग जाती है और ऑक्सीजन बनना स्टार्ट हो जाती है। तो ये प्री कैम्ब्रियन एरा के में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, उन सबको हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट है पैलियोजोइक एरा। यहाँ देखिए, पैलियोजोइक एरा, अब ये पैलियोजोइक एरा है वो भी अलग अलग पीरियड में, मतलब पैलियोजोइक एरा और एरा आगे किस में डिवाइड होते हैं, वो अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड होते हैं। तो ये भी अलग अलग पांच इम्पोर्टेंट पीरियड्स में डिवाइडेड है। यहाँ देखिए, तो इसमें फर्स्ट है कैम्ब्रियन, उसके बाद है ओर्दोवेशियन, उसके बाद है डिवोनियन, उसके बाद है कार्बोनिफेरस, और लास्ट है परमियन। जो परमियन एज है इसके बारे में ज़्यादातर एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाता, मतलब ये सबसे ज़्यादा यंगेस्ट है और ये ओल्डेस्ट है,
कैम्ब्रियन जो है वो ओल्डेस्ट है, मतलब इस तरीके से सीरीज चल रही है। अब जो कैम्ब्रियन एरा है, कैम्ब्रियन जो एरा है, इस समय पर जो हमारा कॉन्टिनेंट्स है उसके ऊपर कोई भी लाइफ नहीं थी, मतलब ऐसा नहीं था कि लाइफ बनना स्टार्ट हो गई थी, या फिर जो O2 हमने स्टार्ट में भी देखा कि हाँ O2 बनना स्टार्ट हो गई प्री कैम्ब्रियन एरा में, लेकिन कोई भी लाइफ स्टार्ट नहीं हुई थी इस समय आकर के। O2 हल्की हल्की बनना स्टार्ट हो गई थी क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो गया था, लेकिन O2 का प्रेजेंस होने के बावजूद भी ज़्यादातर जो लाइफ है उसका कोई प्रेजेंस नहीं था हमारी अर्थ के ऊपर। लेकिन जो ये एरा है कैम्ब्रियन एरा, इसको बोला जाता है कैम्ब्रियन पीरियड। सॉरी, एरा तो पैलियोजोइक एरा है, ये है पीरियड। कैम्ब्रियन पीरियड में क्या होता है कि मैरीन इनवर्टिब्रेट्स का ओरिजिन होने लग जाता है। इस एरा को, कैम्ब्रियन एरा को मैरीन इनवर्टिब्रेट्स का पीरियड बोला जाता है। अब इसके बाद में है ऑर्डोवेशियन। ऑर्डोवेशियन जो है इस समय में फर्स्ट फिश मतलब वर्टिब्रेट्स का ओरिजिन होने लग जाता है अर्थ के ऊपर। अब जो डिवोनियन पीरियड जो है इसको बोला जाता है एज ऑफ फिशेज, मतलब इस समय में जो फिशेज हैं उनकी मैक्सिमम नंबर्स इस समय पाए गए थे डिवोनियन पीरियड में। उसके बाद में है कार्बोनीफेरस पीरियड। कार्बोनीफेरस जो पीरियड है उसमें क्या हुआ था, कार्बोनीफेरस पीरियड में जो लार्ज अमाउंट ऑफ वेजिटेशन है वो अर्थ के नीचे चली जाती है, पानी के नीचे चली जाती है, और जो लिविंग सेडिमेंट्स हैं जो पानी के नीचे ट्रैप्ड होते हैं वो कोल में चेंज हो जाते हैं। तो अर्थ के ऊपर जितना भी कोयला पाया जाता है प्रेजेंट टाइम में, मतलब पूरे वर्ल्ड का जो कोयला है वो इस पीरियड से बिलोंग करता है, कार्बोनीफेरस पीरियड से। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट टाइम बात यह है कि हमारे इंडिया का जो कोल है वो कार्बोनीफेरस एरा से बिलोंग ना करके वो पाया जाता है गोंडवाना पीरियड का। अब देखो कार्बोनीफेरस जो पीरियड है वो ओल्ड है, और जो ओल्ड है कोयला जितने ज़्यादा लंबे समय तक दबा रहेगा उतना अच्छा कोल बन करके निकलेगा। और हमारे इंडिया में जो कोल है वो बिल्कुल न्यू पीरियड का है, गोंडवाना पीरियड का, जिसकी वजह से हमारे इंडिया में अच्छी क्वालिटी का कोल नहीं मिलता है। इसकी यही कारण है कि हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा कोल पाए जाने के बावजूद भी हम बहुत ज़्यादा कोल जो हैं वो क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं। ये इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, आपको ध्यान में रखना है। तो कार्बोनीफेरस में क्या होता है, कार्बोनीफेरस पीरियड में कोल का फॉर्मेशन होता है, और जो कोल है पूरे वर्ल्ड में जो कोल पाया जाता है वो कार्बोनीफेरस पीरियड से बिलोंग करता है, लेकिन इंडिया का जो कोल है वो गोंडवाना पीरियड से बिलोंग करता है। ठीक है, अब कोल की बात हुई है तो कोल के बारे में बेसिक फैक्ट्स हम देख लेते हैं। कोल के बारे में यहाँ देखिए, देखो जो कोल है उसकी अलग अलग वैरायटी पाई जाती हैं, जिसमें सबसे अच्छी जो वैरायटी है वो एंथ्रेसाइट होती है, उसके बाद में बिटुमिनस, उसके बाद में जो होता है वो होता है लिग्नाइट, और सबसे लास्ट में जो होता है वो होता है पीट। देखो जो एंथ्रेसाइट है वो ओल्डेस्ट कोल होता है, मतलब बहुत ही शानदार कोल। पीट जो होता है वो यंगेस्ट कोल होता है, मतलब बिल्कुल इसमें जो है वो एनर्जी लेवल कम होगा, स्मोक हाई लेवल का होगा, एनर्जी जो है वो कम होगी, मॉइस्चर जो है वो ज़्यादा होगा। अब पोल में जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा उतना ज़्यादा स्मोक क्रिएट होगा। ठीक है, तो इसमें और इसमें जो कार्बन का जो लेवल है वो भी कम होगा, और जब कार्बन का लेवल कम होगा तो हीट का जो लेवल है वो भी कम होगा। क्योंकि पीट जो है वो यंगेस्ट कोल है, इसके बिल्कुल अपोजिट एंथ्रेसाइट में सब कुछ बिल्कुल उल्टा होगा। यहाँ पर जब
एंथ्रेसाइट बिल्कुल ओल्डेस्ट है, तो ओल्डेस्ट होगा तो हाईएस्ट इसमें कोल होगा, मतलब कोल की सबसे ज़्यादा मात्रा होगी एंथ्रेसाइट में। और जब कोल सबसे ज़्यादा इसमें होगा तो हीट भी सबसे ज़्यादा होगी, और हीट सबसे ज़्यादा होगी तो यहाँ पर स्मोक भी कम निकलेगा, और इसमें स्मोक कम निकलेगा क्योंकि इसमें मॉइस्चर का जो लेवल है वो भी कम है। और ये सब कुछ कम क्यों है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओल्डेस्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा सप्रेस हो चुका है, तो ये भी जो इसमें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ थी वो सब कुछ निकल चुकी हैं। हमारे इंडिया में जो कोल है वो सबसे ज़्यादा बिटुमिनस वेराइटी का है, तो जो बिटुमिनस वेराइटी का जो कोल है उसमें स्मोक ज़्यादा होता है, स्मोक ज़्यादा होने की वजह से कंपेरिजन टू एंथ्रेसाइट कोल, तो इसकी वजह से स्टील इंडस्ट्री में बिटुमिनस जो कोल है उसका यूज नहीं किया जा सकता, और स्टील इंडस्ट्री में यूज़ करने के लिए इंडिया एंथ्रेसाइट कोल को इम्पोर्ट करता है। अब अगर हम इंडिया में देखें कि इंडिया में जो कोल है वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, वैसे तो देखो जब हम इंडिया को डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में, तब भी हम ये सारे जो रिसोर्सेज हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन सिर्फ आप एक आउट व्यू ले लीजिए कि कहाँ कहाँ इंडिया में जो कोल है वो पाया जाता है। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू में पाया जाता है इंडिया में, छोटा नागपुर प्लेट्यू आपको पता होगा कहाँ है, हम और भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट जो गोदावरी रिवर है, गोदावरी जो रिवर है और इसकी जो ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी में आती है वर्धा रिवर, वर्धा, पेन गंगा और वेन गंगा। अब ये जो तीनों रिवर हैं, इन तीनों रिवर को कम्प्लीटली एक साथ बोलते हैं प्राणहिता रिवर। किस नाम से बोला जाता है? प्राणहिता रिवर। तो गोदावरी रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरी है वहाँ पर पाया जाता है कोल हमारे इंडिया में। इसके अलावा जो महानदी रिवर है वहाँ पर पाया जाता है। इसके अलावा सुवर्णरेखा जो रिवर है वहाँ पाया जाता है, और इसके अलावा नेक्स्ट पाया जाता है दामोदर रिवर वैली में भी कोल पाया जाता है। तो हमने देखा कि इंडिया में जो कोल है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इन जगह पर है। तो देखो ये जो स्पेशल जो रिवर्स हैं उनकी लोकेशन कौन सी है वो आपको पता कर लेना चाहिए। तो ये पैलियोजोइक जो टाइम पीरियड है उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ देखिए, यहाँ एक सेकेंड, मीसोजोइक जो एरा है उसके बारे में। मीसोजोइक जो एरा है वो भी आगे फर्दर डिवाइडेड होता है पीरियड्स में, तीन पीरियड्स में डिवाइड है। यहाँ पर देखिए तो इसमें सबसे जो एल्डेस्ट है वो है ट्रायसिक, उसके बाद है जुरेसिक और लास्ट है क्रिटेशियस। ठीक है, ये तीन मीसोजोइक जो एरा है वो तीन फर्दर पीरियड्स में डिवाइड है, ये पीरियड है। अब इनके एक एक के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से टाइम पीरियड में कौन कौन सी एक्टिविटीज हुई। देखो ये जो ट्राइसिक जो पीरियड है इसमें जो हम डिस्कस करते हैं, हम स्टडी भी करते हैं कि जुरैसिक पार्क आपने देखा होगा, जुरैसिक पार्क डायनासोर से रिलेटेड है, तो डायनासोर जो थी वो इस एरिया में इस समय डायनासोर जो हैं वो इस एरिया में ओरिजिन उनका हो गया था, मतलब इस एज में वो स्टार्ट हो गई थी, उनका ओरिजिन होना स्टार्ट हो गया था। लेकिन अगर एज ऑफ डायनासोर्स के नाम से जाना जाए तो वो टाइम पीरियड है जुरैसिक। इसीलिए ही जो हॉलीवुड मूवी भी आपने देखी होगी जुरैसिक पार्क के नाम से, तो एज ऑफ डायनासोर्स के नाम से इसको जाना जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस समय जो डायनासोर्स थी वो डोमिनेंस में थी, मतलब बहुत ज़्यादा डायनासोर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायनासोर्स जो हैं वो इस टाइम पीरियड में पाई गई। लास्ट है क्रिटेशियस पीरियड। क्रिटेशियस जो पीरियड है इस समय डायनासोर जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, मतलब ख़त्म हो जाती हैं। अब उनके जो ख़त्म होने का जो कारण है वो भी आपको पता होना चाहिए, एक्सटिंक्शन
ऑफ डायनासोर्स, मतलब विलुप्त हो जाती हैं डायनासोर्स। ठीक है, तो ट्रायसिक में डायनासोर्स स्टार्ट होती हैं, जुरैसिक में डायनासोर्स का जो एज ऑफ डायनासोर्स बोला जाता है, और क्रिटेशियस में एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स। अब डायनासोर्स का जो एक्सटिंक्शन क्यों होता है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। कई रिसर्च हुई और रिसर्च में दो इम्पोर्टेंट पॉइंट सामने आके आते हैं कि एक तो मेजर पॉइंट सामने आता है कि वोल्केनिक इरप्शन की वजह से जो डायनासोर्स हैं वो ख़त्म हो गई, वोल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से। अब वोल्केनिक एक्टिविटीज़ भी कई कारणों से हुई होंगी, जिसमें एक तो हम देखते हैं कूलिंग ऑफ द अर्थ, कूलिंग ऑफ द अर्थ कि जैसे जैसे अर्थ कूल हो रही थी तो कूल होने के दौरान अर्थ का जो पार्ट गर्म था वो वोल्केनिक इरप्शन के तहत बाहर आ गया, और जैसे जैसे वोल्केनिक इरप्शन होता गया तो ट्रैप होती गई डायनासोर्स, और डायनासोर्स ट्रैप हो गई तो वो ख़त्म हो गई। दूसरा कारण है वोल्केनिक एक्टिविटीज़ का भी, मीटियोर्स इम्पैक्ट। मीटियोर्स आपको पता होंगे क्या होते हैं, मीटियोर्स ये होते हैं कि जब बिग बैंग थ्योरी के तहत पूरा जो एक यूनिवर्स जो एक बॉल के रूप में था तो अलग अलग टुकड़ों में बट गया, तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टुकड़े जो अभी भी यूनिवर्स में खुले में घूम रहे हैं। एस्टेरॉयड क्या होते हैं, मार्स और जुपिटर जो हमारे प्लेनेट हैं उनके बीच में एक बेल्ट पाई जाती है, और उस बेल्ट में छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं उनको बोलते हैं एस्टेरॉयड। और ये एस्टेरॉयड जो हैं वो एक मतलब जो एरिया है उसी में फिक्स हैं, इसीलिए इनको एस्टेरॉयड बेल्ट के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो मीटियोर्स हैं वो पूरे यूनिवर्स में फैले हुए हैं, पूरा जो हमारा सोलार सिस्टम है उसमें फैले हुए हैं। और पहले क्या होता था कि मीटियोर्स हमारे अर्थ का जो एटमोस्फियर है वो इतना डेंस नहीं था, और डेंस जब एटमोस्फियर नहीं था तो मीटियोर जो हैं वो हमारी अर्थ के प्रवेश कर जाते थे, अर्थ के ऊपर आकर के गिरते थे। मान लो ये अर्थ का ग्राउंड है, यहाँ पर कोई मीटियोर्स आकर के गिरा, बहुत बड़ा पार्टिकल आकर के गिरा तो बहुत बड़ा गड्ढा यहाँ पर बना देगा। अब गड्ढा यहाँ पर बनाएगा तो यहाँ पर अर्थ के बिल्कुल यहाँ पर नीचे क्या है, बिल्कुल लिक्विड वाला एरिया है, और ये यहाँ से बाहर निकलेगा, वो बाहर निकल करके क्या होगा, वोल्केनिक इरप्शन होगा। तो यही मेजर रीजन रहा कि इस वजह से क्रिटेशियस पीरियड के दौरान वोल्केनिक इरप्शन बहुत ज़्यादा हुए इस समय, और वोल्केनिक इरप्शन जब हुए तो इस समय वोल्केनिक प्लेट्यू भी बने, और उसी का मेजर आप देख सकते हो डेक्कन लावा प्लेट्यू। ठीक है, अब यहाँ से ये निकलते हैं और प्लेट्यू बनाते हैं, वोल्केनिक इरप्शन होता है, उसी की वजह से जो डायनासोर्स हैं उनका एक्सटिंक्शन हो जाता है। अब मीटियोर्स लेक, मीटियोर्स की हमने बात की, तो मीटियोर्स अर्थ के ऊपर आते थे और उनका कुछ इफेक्ट होता था। अगर आपका एग्जांपल आपसे पूछा जाए तो आप किसका उदाहरण दोगे, तो आप दोगे लोनार लेक का। लोनार लेक कहाँ है, महाराष्ट्र में है, और ये जो लोनार लेक है वो मीटियोर्स का ही उदाहरण है कि मीटियोर आकर के गिरे और इसी तरीके से लोनार लेक बन। नेक्स्ट जो एरा है वो है सेनोजोइक एरा में अगर आप देखें तो सेनोजोइक जो एरा है वो भी फर्दर डिवाइडेड है पीरियड्स में। तो पीरियड में अगर हम बात करें तो टर्शियरी और क्वार्टरनरी। अब टर्शियरी में क्या हुआ था, टर्शियरी जो टाइम पीरियड था उसमें जो यंग फोल्ड माउंटेन्स आपको पता है कौन कौन से हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स, तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में रॉकीज, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में एंडीज, और उसके बाद में अगर हम आए एटलस आल्प्स यूरोप में, इसके अलावा इंडिया में है, इंडिया वाला रीजन जो एशिया वाला रीजन है वहाँ पर हिमालयन माउंटेन्स, ये है यंग फोल्ड माउंटेन्स। इनकी जो ओरोजेनी है उसको अल्पाइन ओरोजेनी के नाम से भी जाना जाता है। तो ठीक है, आपको पता होना चाहिए अरावली और इसमें कितना अंतर है, मतलब हिमालयन जो है वो इस टाइम पीरियड में आकर के ओरिजिन हुए हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा ऊंचाई के हैं। और अरावली कब बन गई थी, अरावली तो प्री कैम्बियन एरा में ही बन गई थी, इसी कारण से तो ही ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स हैं और इस समय बिल्कुल इरोडेड अवस्था में सिचुएशन में पाए जाते हैं। तो टर्शियरी में यंग फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण होता है, और क्वार्टरनरी जो पीरियड है उसमें जो हमारा मॉडर्न मैन है,
उसका ओरिजिन मतलब मॉडर्न मैन जो है वो बन जाता है, मॉडर्न मैन इवॉल्व हो जाता है होमो सेपियंस से। तो इस तरीके से हमने मेजर जो एरा है उनके बारे में डिस्कस किया। अब ये जो इसके जो पीरियड है ना, जैसे क्वार्टरनरी पीरियड जो है वो आगे इपोक में डिवाइडेड रहेगा। किसमें? इपोक में, इपोक में होलोसिन, होलोसिन और प्लिस्टोसिन, प्लिस्टोसिन, ठीक है। तो ये इपोक वाला जो है कि जो पीरियड है वो आगे एपोक में डिवाइडेड होते हैं, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके अलावा देखो, ज़्यादातर बुक्स में आप इसी एरा तक स्टडी करोगे कि लास्ट में जो है वो साइनोजोइक, साइनोजोइक जो एरा है, साइनोजोइक एरा है, यहाँ तक आप स्टडी करते हो। लेकिन एक एज और है जिसको बोलते हैं एंथ्रोपोसिन, जिसको बोलते हैं एंथ्रोपोसिन पीरियड। अब ये एंथ्रोपोसिन पीरियड क्या होता है? पिछले लगभग 2000 साल में, लास्ट के जो 2000 ईयर्स, लास्ट 2000 ईयर्स में आपने ये देखा होगा कि ह्यूमन का जो डोमिनेंस है वो अर्थ के ऊपर, जो मॉडर्न ह्यूमन बींग्स है वो काफ़ी डोमिनेटेड क्रिएट कर रहा है अर्थ के ऊपर, ना सिर्फ अर्थ बल्कि यूनिवर्स के ऊपर। इसकी वजह से जो हमारा एटमोस्फियर है उसमें काफ़ी मॉडिफिकेशन हो गए हैं, जो हमारा क्लाइमेट है उसमें काफ़ी चेंजेज हो गए हैं, जैसे कि डिफोरेस्टेशन, एग्रीकल्चर जो है उसके पैटर्न में काफ़ी चेंजेज हो गए हैं, एग्रीकल्चर की जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें काफ़ी चेंजेस हो गए हैं। इसके अलावा जो लैंड यूज़ करते हैं हम एग्रीकल्चर के लिए, उस एक्टिविटीज़ में भी कुछ चेंजेस हो गए हैं। हम फॉसिल फ्यूल्स को काफ़ी जलाने लग गए हैं, इसके अलावा जो माइक्रो, अब ये सारी चीज़ें जो मॉडर्न मैन कर रहा है, जिसकी वजह से माइक्रो क्लाइमेट जो है उस लेवल तक हम अफेक्ट कर रहे हैं, मतलब हमारा जो एटमोस्फियर है वो काफ़ी चेंज हो रहा है। तो इसी वजह से अर्थ का जो मॉडर्न जो मैन है उसके डोमिनेंस की वजह से जो ये चेंजेज आ रहे हैं उसी पीरियड को बोलते हैं एंथ्रोपोसिन पीरियड। देखो इसको लेकर के स्पेशली जो स्टेट पीसीएस एग्जाम होते हैं उनमें ये वर्ड दे दिया जाएगा, और जो मेंस का एग्जाम होता है उसमें पूछ लेंगे आपको 2 या 5 नंबर में कि इसके बारे में बताओ। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी क्लाइमेट में चेंज हो रहा है उसकी वजह से जो नया पीरियड डेवलप हुआ है उसको बोलते हैं एंथ्रोपोसिन पीरियड, ठीक है। तो इस पीरियड में ह्यूमन का डोमिनेंस है। तो इस तरीके से हमने हमारी जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसके बारे में मेजर डिस्कस किया कि किस तरीके से जो हमारी अर्थ है वो डेवलप हुई, किस तरीके से जो सबसे लार्जेस्ट टाइम पीरियड है वो है एरा, एरा आगे डिवाइड होता है पीरियड में, और नहीं सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे लार्जेस्ट है इवोन्स, इवोन्स डिवाइड होता है एरा में, एरा पीरियड में, और पीरियड इपोक में। हर एरा की, हर जो एरा है उसके जो मेजर इवेंट्स हैं उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया। ओके।